जंजल की आवाज़ जीएन भारत में आपका स्वागत है। और 12 तारीख को बताते चले कि देवघर में देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और कई सारे सौगात जो है वो रांची को मिलने वाला है, झारखंड को मिलने वाला है। इसी को लेकर रांची के सांसद संजय सेठ ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और जानकारी दिया कि रातू रोड का एक बहुत बड़ा सौगात मिलने वाला है। बताते चले कि रातू रोड एक बहुत ही कमर्शियल कैपिटल भी कहा जाता है। करीबन हर दिन 4 से 5 लाख लोग उस सड़क पर चलते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत रश होता है। चूंकि ये हाईटेक एरिया है, बहुत कमर्शियल हब है, एजुकेशनल हब है, इस वजह से वहाँ पे जाना भी इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। और पतली सड़क होने के वजह से करीबन 30-35-40 सालों से लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, ट्रैफिक होता है, पॉल्यूशन होता है। लेकिन अब 12 तारीख को एक बहुत बड़ा सौगात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। आपको बताते 1000 करोड़ की लागत से वहाँ पर ओवरब्रिज बनेगा। वो ब्रिज जो है वो 4 लेन का बनेगा और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको रांची के सांसद संजय सेठ ने दी। आइए सुनते उन्होंने क्या कुछ कहा। 34 साल बाद देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा उपहार। रातू रोड एक उपनगर है, कोई मोहल्ला नहीं है, और रोजाना रातू रोड पे 4 से 5 लाख लोग उस पर सफर करते हैं। ग्रामीण इलाका पूरा उधर से रातू रोड से ही आता है और जाम की स्थिति भयावह थी, भयावह है। और आज से 2015 से डिमांड हुआ कि इस पर इलेवेटेड रोड बने, बहुत बड़ा डीपीआर बने, आप सब जानकार है। फिर 2 साल लगातार गडकरी जी के पास मंत्रालय में जाके चक्कर लगा लगा कर जो भी अवरोध था उसको दूर करने का उन्होंने प्रयास किया और माननीय नितिन गडकरी जी का आशीर्वाद से रातू रोड वासियों को, या कह सकते हैं पूरे रांची को, क्योंकि रातू रोड की आबादी तो आज लाखों लाख में है, एक बहुत बड़ा उपहार। 535 करोड़ की लागत से इलिवेटेड रोड, और वो इलिवेटेड रोड सिंगल पिलर पे होगा और ऊपर 4 लेन होगा। हमने माननीय गडकरी से भी यह भी आग्रह किया था कि नीचे की दुकानें जो है टूटे नहीं, हाँ किसी का इंक्रोचमेंट हल्का फुल्का है थोड़ा, तो ऊपर जो 4 लेन बनेगा उस पर भी कोशिश यह है किसी रातू रोड के किसी भी नागरिक का नुकसान नहीं हो। हाँ, रातू रोड के लोगों से हमने दर्जनों बार बैठक की, उन्होंने कहा कहीं अगर ऐसी आवश्यकता होगी मेरा छज्जा टूटना है तो तोड़ देंगे। ये इतना बड़ा काम रातू रोड के लिए हो रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 तारीख को इतना बड़ा काम रांची की जनता के लिए, इतनी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पुनरुद्धार हो रहा है, उसमें मॉल होंगे, ऊपर सारी व्यवस्थाएं होंगी, मतलब बहुत आकर्षक। और इस 447 करोड़ में आरओबी भी है, क्योंकि आरओबी बनाना वहां जरूरी है। इतना बड़ा स्टेशन, आप अंदाजा लगाओ 447 करोड़ से कितना भव्य स्टेशन बनेगा। इतनी बड़ी सौगात रांची की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 तारीख को देने वाले हैं और हम सब रांची वासी सब खुशी से एकदम फूले हैं। खुशी बहुत ज्यादा है कि इतना बड़ा बड़ा उपहार 12 तारीख को बाबा की नगरी से ऑनलाइन माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करने वाले। आपको याद होगा जब आप गुमला जाते होगे तो देखते होंगे कि 200 दीवार 10 साल से 12 साल से खड़ा है, वो आरओबी है, वो ऐसे ही खड़ा है। अब उस आरओबी का भी मार्ग प्रशस्त हो चुका, उसका भी काम होना है। तो इतने बड़े बड़े 3 काम रांची की जनता को मिल रहे हैं। रातू रोड देखने जाते थे कि जंगल, रातू रोड का जंगल दिखेगा, आज रातू रोड तो भाई ये बिजनेस का हब हो गया है। और इलिवेटेड रोड बनने के बाद रातू रोड एक बहुत बड़ा व्यवसायिक केंद्र बन जाएगा। और इसमें जब इलिवेटेड रोड के नीचे जो सड़क है वो एंड टू एंड बनेगी, उसका चौड़ीकरण भी होगा। ऊपर वाले जो उधर जाने वाले ऊपर से निकल जाएंगे, नीचे वाले को भी सुविधा ही होगी। एंड टू एंड सड़क बनेगी और सिंगल पिलर पे ये
फ्लाईओवर होगा ये सर्ड से और उधर इटकी रोड से सिटी हॉस्पिटल से दोनों ओर से उठेगा और सीधे जाकिर हुसैन पार्क के पास यह लैंड करेगा। उसके बीच में भी सर्विस रोड जो लोग कर रहे हैं एनएच वाले लोग कि दुर्गा मंदिर के पास कहीं उतार रहे हैं वहाँ भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी उकाके रोड जाना है तो उतर जाए, ये भी प्रयास कर रहा है। लेकिन इतनी बड़ी सौगात रांची को मिलने वाली है और हम लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे और विशेषकर रातू रोड वाले के लिए तो दिवाली का दिन है कि उनका जहां 15 मिनट लगना लगता था एक एक घंटे जाम में फंसे रहते थे, प्रदूषण बढ़ता था। इसलिए रातू रोड वासियों के लिए 12 जुलाई दिवाली का दिन है और हम कह सकते हैं कि ये रातू रोड का जो फ्लाईओवर है केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री माननीय गडकरी जी ने तो सौगात दे दी। मैं पिछले 2 साल से मैं ट्रैफिक यातायात जो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जो कमिटी था उसका चेयरमैन था, अभी हटा दिया, अभी उपायुक्त हो गए। 2 साल से जो बैठक हम करते रहे उपायुक्त कार्यालय में उसमें सभी भाग के लोग आते थे, हम 2 साल से चिल्ला रहे भाई एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है उसके लिए पिलर खड़ा होगा, सिंगल पिलर है, आपको 15x15 20x20 का पिलर खड़ा करना है तो गड्ढा 40x40 कर करना होगा, 60x60 करना होगा, तो जनता चलेगी कैसे, उसके लिए अल्टरनेट व्यवस्था करो। हम हर बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे, हर बैठक में चिल्लाते रहे भाई आप अल्टरनेट व्यवस्था करो। ये तो रघुवर दास जी की सरकार थी और उस समय हमको याद है राजबाला वर्मा जी थी तो वो चापू टोली वाली सड़क हमने उनको दिखाया और वो इटकी रोड से जो बीजेपी ऑफिस के पीछे सड़क निकलती है वो सड़क बन गई, उससे बहुत बहुत आराम हुआ, बहुत आराम हुआ, लेकिन वो नाकाफी है। तो जैसा आपने सुना कि संजय सेठ ने साफ तौर पर कहा कि बहुत बड़ा सौगात कहीं ना कहीं 12 जुलाई जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, असल में सिर्फ 12 जुलाई नहीं बल्कि उस दिन दिवाली का दिन होगा पूरे झारखंड और खासकर रांची वासियों के लिए, उस दिन दिवाली सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि लंबा इंतजार खत्म हो चुका है। स्पेशली रातू रोड के लिए बहुत बड़ी खबर होगी और इसके साथ रातू रोड ही नहीं बल्कि इससे पूरे रांची पर इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेन जो मेन पॉपुलेशन है, मेन जो जमावड़ा है रातू रोड में लगता है, जब वहां भार कम होगा तो उसका इफेक्ट सारा रांची में देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमें और भी ऐसे फ्लाईओवर देखने को मिले ताकि रांची का जो बोझ कम हो और रांची भी एक बहुत वेल डेवलप्ड और विकास एक स्मार्ट सिटी बनके उभरे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। मैं शिखा श्रीवास्तव अपने सहयोग बजाज राशिका के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।